एक अच्छा भालू। एक बार पेड़ों से भरे घने जंगल में एक खरगोश और उसका दोस्त भालू रहता था। उनके भोजन को समान रूप से साझा करके खाते थे और बिना किसी विवाद के खुशी से रहते थे। हालांकि भालू देखने में बहुत क्रूर लग रहा था, पर वास्तव में वो बहुत अच्छा था। वही खरगोश देखने में तो बहुत खूबसूरत था, पर दिल का काफी स्वार्थी था। हर दिन की तरह खरगोश और भालू भोजन के लिए जंगल में टहल रहे थे। खरगोश को प्यास लगी और तालाब के पास पानी पीने के लिए चला गया। ये तालाब तो बहुत साफ था। खरगोश ने तालाब में अपनी परछाई देखी। इससे पहले उसने अपनी परछाई कभी नहीं देखी थी और यहाँ देख उसे बहुत मुग्ध महसूस कर रहा था। उस दिन से खरगोश भालू के बदसूरत रूप और काले रंग के शरीर के कारण उससे नफरत करने लगा। खरगोश ने भालू को दूर रखना शुरू कर दिया और भालू के साथ भोजन भी नहीं शेयर करता था। हालांकि खरगोश के इस व्यवहार के बाद भी भालू शांत और बिना किसी विवाद के रहते थे। एक दिन जानबूझकर खरगोश ने निम्नलिखित शब्दों के साथ भालू के साथ विवाद किया। आज से मेरे साथ मत आना। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। क्या हुआ मेरे दोस्त? तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो। मुझसे दूर चले जाओ। खरगोश के उन शब्दों से भालू गुस्से में वहां से चुपचाप चला गया। उस दिन से भालू ने खरगोश को दूर से ही खरगोश पे नजर रखनी शुरू कर दी, ताकि उस पर कोई समस्या न आए। मुझे बहुत अफसोस है मेरे दोस्त। यदि भी तुम मुझसे मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ सूचना देने आया हूँ। भोजन के लिए उस तरफ मत जाओ, क्योंकि एक शिकारी जानवरों को पकड़ने के लिए उसने वहाँ जाल बिछा रखा है। सुबह सुबह मैंने तुम्हारा बदसूरत चेहरा देखा है। अब मुझे पूरा दिन तकलीफों से झेलना पड़ेगा। सामने बताओ, मेरे बाहर जाने का समय है। इस तरह खरगोश ने भालू से बेरुखी के साथ बात की और भोजन के लिए शेरों की जगह की ओर जाने लगा। कुछ समय के बाद, जैसे कि भालू ने कहा, शिकारी द्वारा रखे गए जाल में खरगोश फंस गया। ओह माय गॉड, अब मैं कैसे बच सकता हूँ? हालांकि मेरे दोस्त ने मुझे सुझाव दिया, मैंने उसे नहीं सुना और यहाँ आ गया। अब मैं इस जाल में फंस गया। यहाँ मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। इसी तरह खरगोश रोने लगा। जैसा कि भालू जानता था कि खरगोश जाल में फंस सकता है और घातक रूप का सामना कर सकता है, भालू खरगोश की जान बचाने के लिए खरगोश के पीछे चला गया था। खरगोश को जाल में फंस देख के वह अपने दांतों से उस जाल को फाड़ने लगा और उसने अपने दोस्त को बचा लिया। मुझे माफ कर दो दोस्त, अब तक मैं तुम्हारे बदसूरत रूप से नफरत करता था, लेकिन मुझे अब तुम्हारे अच्छे चरित्र का एहसास हुआ है। इससे खरगोश को लगा कि यह प्रकृति की चिंता है। फिर भालू ने कहा, मेरे दोस्त, चिंता मत करो, तुम हमेशा मेरे दोस्त हो। इसके बाद वो दोनों वहां से खुशी खुशी चले गए। आपको ये कहानी कैसे लगी? इस कहानी का नैतिक ये है कि आपको सीखना चाहिए सुंदरता के बजाय चरित्र की सराहना करें। नीचे आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूले। आलसी कौवा। एक बार एक साफ नदी थी जिसमें खूब सारा पानी था। नदी के बगल में
एक बड़ा घना जंगल था जो कि पेड़ों से भरे हुए था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उनमें एक आलसी कौवा भी रहता था। उस कौवे को जमीन पर ही खाना मिला और उसे लगा, जब मुझे जमीन पर ही पर्याप्त भोजन मिल रहा है, फिर मेरे आकाश में उड़ने का क्या फायदा? पेड़ पे घोंसला बनाने के बजाय और आकाश में उड़ने से अच्छा जमीन पर ही घोंसला बना लूं और अच्छे से खाके घोंसले में सो जाऊं। इसी तरह आलसी कौवे ने जमीन पर एक घोंसला बनाया और आसमान में उड़ना छोड़ दिया। वो और भी ज्यादा आलसी हो गया। कुछ दिनों के बाद आलसी कौवे ने अपने घोंसले में कुछ अंडे दिए। आलसी कौवे को होश आया कि कुछ दिनों के बाद उन अंडों से नन्हे कौवे निकलेंगे, इसलिए उसे अब से न केवल उसके लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करनी होगी। और कौवा जमीन पर खाना ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद कौवा खाना खाकर एक पेड़ के नीचे सो गया। कुछ देर के बाद कौवा जाग गया और अपने घोंसले की ओर वापस जाने लगा। जब आलसी कौवा अपने घोंसले के पास वापस आया तो उसके घोंसले के पास चालाक लोमड़ी उसके अंडों को खा रही थी। ये देखकर कौवा रोने लगा। उसने सोचा, हे भगवान, ये सब केवल मेरे आलस के कारण हुआ है। चालाक लोमड़ी ने मेरे सारे अंडे खा गए, जिनमें से कुछ दिनों में नन्हे कौवे बाहर आने वाले थे। कौवा चिंतित महसूस करने लगा, क्योंकि उसने अपने आलसी स्वभाव के कारण सब कुछ खो दिया था। फिर उस कौवे ने अपने घोंसले को फिर से पेड़ पे व्यवस्थित किया। इस कहानी का नैतिक है कि आलस्य से बड़ा शत्रु इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। खोई हुई लोमड़ी। एक बार घने पेड़ों और पहाड़ों से घिरा हुआ एक जंगल था। लंबे समय तक एक लोमड़ी वहां पर रहती थी। उस जंगल में कई और भी जानवर रहते थे। लोमड़ी ने एक पेड़ के पास खुद के रहने के लिए एक व्यवस्था की थी। एक दिन उस लोमड़ी ने पेट भर खाना खाया और वह धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई। तब लोमड़ी को एक सपना आया कि उसके वर्तमान स्थान के पास एक सुंदर सी जगह है, जहां बहुत सारे पेड़ और फल और भोजन है जो उसके जीवन काल के लिए पर्याप्त है। फिर वह लोमड़ी अचानक जाग गई और उस सपने से बाहर आई और सोचने लगी, मैंने ये सब सपने में देखा था। ये सच होता तो कितना अच्छा होता था। हो सकता है कि ऐसी जगह सच में हो। मैं यहाँ काफी लंबे समय से रह रही हूँ। मुझे तुरंत ही उस सुंदर जगह पर जाना होगा। ऐसे सोचते सोचते वह लोमड़ी वर्तमान जगह को छोड़कर उस काल्पनिक जगह की खोज में निकल गई। लंबी सैर करने के बाद लोमड़ी आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद फिर से लोमड़ी उस खूबसूरत जगह की ओर चलने लगी। लोमड़ी काफी अंतर पार कर गई थी। उसे कहीं भी वह सुंदर जगह नहीं दिखाई दी और फिर उसे लगा, मुझे जो सपना आया वह असली नहीं था। अनावश्यक रूप से मैं इस रेगिस्तान में फंस गई हूँ, इसलिए मुझे अपनी पुरानी जगह पर किसी भी कीमत पर जाना ही होगा। फिर लोमड़ी अपनी पुरानी जगह पर वापस जाने लगी। पूरा दिन चलते चलते लोमड़ी बहुत कमजोर हो गई और बेचारी बीमार हो गई।
वह अपने पुराने स्थान पर पहुंचने के बाद सिकुड़ गई, क्योंकि उसने एक शेर को उसके जगह पर रहते हुए देखा। लोमड़ी ने सोचा, ओहो, शाही शेर, अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो मुझे शेर से अपनी जगह के लिए गुंजाइश कर सकती हूँ, वरना शेर ये कहेगा कि ये मेरी जगह है, और शेर कह सकता है कि वो यहाँ से काफी लंबे समय से रह रहा है, और अगर मैंने ये कहने की कोशिश की तो शेर बहुत गुस्सा हो सकता है और मुझे मार भी सकता है। मैंने अति महत्वाकांक्षी के कारण अपनी सुविधाजनक जगह खो दी है। ऐसा महसूस करते हुए वह लोमड़ी उस जगह से चली गई। आपको ये कहानी कैसे लगी? इस कहानी का नैतिक है, अज्ञात चीजों के लिए वर्तमान सुविधा खोना गलत बात है। आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूले।